जितने लोग भी बीएचयू में पीएचडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बीएचयू ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द इनिशिएटिव दिस इज़ कमिटेड टू फैसिलिटेट इट स्टूडेंट फॉर क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस एंड सक्सेस यानी ये जो स्कीम है ये आपको रिसर्च स्कॉलर्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है वो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ओवरसीज मतलब अगर आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं आप यहाँ के पीएचडी स्कॉलर हैं तो इस स्कीम के थ्रू आप ओवरसीज के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट 500 लिस्ट है उस इंस्टीट्यूट में जाके एक सेमेस्टर मतलब पूरे के पूरे छः महीने आप जाके रिसर्च कर सकते हैं अब देखिए द स्कीम हैज़ बीन कंसेप्शुलाइज इन लाइन विद द मैंडेट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनंस इनिशियेटिव जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनन्स का इनिशियेटिव है उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट है जिसमें फाइव हंड्रेड टॉप इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप जाके रिसर्च कर सकते हैं आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा और जो भी रिसर्च स्कॉलर सेलेक्ट होंगे दे विल एबल टू स्पेंड अ वन सेमेस्टर मतलब अप टू सिक्स मंथ डिपेंडिंग ऑन योर वर्क ऑन योर एप्लीकेशन अप ऑन योर अप्रूवल इन टॉप 500 हंड्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड वाओ दिस इज अमेजिंग मेरे को कॉमेंट में आप जरूर बताओ कि ये इनिशिएटिव बी एच यू का कैसा है पी एच डी स्कॉलर्स के लिए उसके बाद अ विजिटिंग स्कॉलर्स विल गेट अ फेलोशिप अमाउंट ऑफ एटीन हंड्रेड यू एस डी फॉर अ मंथ ऑफ समिस्ट पर मंथ यानी छः महीने तो बहुत ही अच्छा अमाउंट है ये आपको मिलेगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे और इस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो सब एक्सपेंसेस मिला के करीब डेढ़ लाख रुपए पर मंथ आप ले सकते हो और सबसे अच्छी बात है कितना कोलैबोरेटिव वर्क होगा और आपका रिसर्च प्रोफाइल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कितने अच्छे होने वाले हैं अब अगर आप बी से पी करते हैं हमारे टाइम में भी काशी स्कीम होती तो हम भी इसका बेनिफिट लेते बट नो प्रॉब्लम अभी जितने भी लोग आए हैं ऐसी स्कीम्स का बेनिफिट ज़रूर लेना उसके बाद जो रिसर्च स्कॉलर हैं एक कंडीशन है कि हु हैव कम्प्लीटेड कोर्स वर्क सबसे पहले आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना होगा एट और उससे ज़्यादा सी जी पी ए से मतलब आपको स्टार्टिंग से ही बहुत ब्रिलियंट रहना होगा अपने सारे कोर्स वर्क के सब्जेक्ट में इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स को लेके कर एट सी जी पी ए से ऊपर आना चाहिए एंड हैव पब्लिश्ड एटलीस्ट टू पेपर्स इन जर्नल्स ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट मतलब Q1 और Q2 लेवल की जर्नल्स होना चाहिए वो ही एलिजिबल होंगे इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए सो दे शुड हैव अ कंसेंट फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूट वो तो बहुत ही ईजी होता है आप होस्ट इंस्टीट्यूट से कंसेंट लेना है सारी फ़ंडिंग आपको बी एच यू देने वाला है होस्ट इंस्टीट्यूट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर कोई स्टूडेंट अपनी फंडिंग लेके आता है तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि होस्ट इंस्टीट्यूट से कैसे आपको अप्रूवल लेना है कंसेंट लेना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा कि, कि किस तरीके से आप कंसेंट ले सकते हैं मैंने जर्मनी और चाइना दो जगह के कंसेंट लिए थे एंड आई नो द प्रोसेस टाइम लगता है बट इम्पॉसिबल नहीं है सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्कॉलर्स और ऑल दोज हु आर गोइंग टू विलिंग एंड विलिंग टू टेक एडमिशन इन पी जो भी आने वाले हैं बेस्ट ऑफ लक आपका करियर बहुत ही अच्छा होने वाला है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना जिससे कि सारे ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें